मिथिलेश जी, पहले अंकिता और अब एक और इसी तरीके की खबर संथाल से निकल कर आ रही है, एक और बेटी को जलाने की कोशिश की गई है। अभी देखिए, जो भी अपराध होते हैं, मैंने बार बार कहा है, जब भी किसी कोई भी इस तरह की घटना हुई है तो मैंने ये बार बार दोहराया कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। अपराधी सिर्फ अपराध करने को अपना कर्म समझते हैं, चाहे कोई भी हो, लेकिन सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, प्रशासन चुस्त दुरुस्त है। और जहाँ भी आपने देखा होगा कि अंकिता की हम जो हत्या हुई उसमें कितनी त्वरित कार्रवाई हुई, सारे अपराधी जेल के सलाखों के पीछे हैं और एक रिकॉर्ड समय में चार्जशीट सबमिट कर दिया गया। और हमें पूरी उम्मीद है कि एक रिकॉर्ड समय में उन्हें सजा भी दिलाई जाएगी। और अभी भी जो कृत्य हुए हैं उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन जो भी लोग इसके पीछे हैं वो बहुत जल्द आपको दिखेंगे सलाखों के पीछे, और उन पर भी कार्रवाई। अभी क्रिटिकल सिचुएशन में रिम्स में है, क्या बेहतर इलाज के लिए उनको एयरलिफ्ट कर। अब ये देखिए, माननीय मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील है ये बताने की जरूरत नहीं है। जैसे भी मेडिकल बोर्ड की कोई भी निर्णय होगा, उन्हें जहाँ भी जो भी समुचित इलाज की जरूरत पड़ेगी उसके लिए कभी सरकार न पीछे रही है न रहेगी। बीजेपी कह रही है कि ये जो देखिए, बीजेपी की बात हम नहीं करना चाहते। बीजेपी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला काम कर रही है। बीजेपी को और भी जगह देखना चाहिए जहाँ उनके राज में, जहाँ कि बेटी को जिंदा, बेटी को और उसकी हत्या करके और उसके बाद नहर में फेंक दिया जाता है, उसमें चुप्पी साध कर जो वो बैठे हो, क्यों नहीं बयान दिया एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने? क्यों एक हमारे राज्य के कोई एक नेता है जिन्होंने कोई बयान दिया हो तो बता दें। वो ये बांग्लादेश घुसपैठ का कनेक्शन, ये देखिए इन लोगों का सिर्फ एक ही मुद्दा इनके पास रह गया है, ध्रुवीकरण। और अब जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। अब जनता देख रही है कि कौन विकास कर रहा है और कौन विनाश की ओर ले जा रहा है इस देश को, इस राज्य को। देखिए बैठक, मैंने सोचा था कि आप लोग बैठक के बारे ही पूछेंगे, लेकिन आप लोग बैठक देखिए, आप देख रहे होंगे किस तरह का उत्साह है। पूरा झारखंड, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा मैं हो गया। अब कहीं किसी के लिए कोई जगह नहीं बची है। अब आप देख रहे हैं कि आज केंद्रीय कमेटी की बैठक किस तरह उत्साह है लोगों में, बाहर से लेकर अंदर तक। और आज केंद्रीय कमेटी की बैठक में और ज़्यादा ऊर्जा का संचार लेकर लोग हमारे का जो भी पंचायत स्तर के भी हमारे प्रखंड अध्यक्ष लोगों को भी हमारे यहाँ बुलाया गया है। ये दुसुम गुरु की बहुत बड़ी सोच है, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी की बहुत बड़ी सोच है, और सभी लोगों में आज ऊर्जा का संचार होगा। और सरकारी जो भी योजनाएं आज 3 साल में जनता के लिए लागू की गई हैं, उनके बारे में विस्तार से आज बताया जाएगा हमारे प्रखंड अध्यक्षों को और भी पदाधिकारियों को, और जाकर जन जन तक सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को दिलवाने का उन्हें निर्देश दिया जाएगा। साथ ही संगठन को पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक हम मजबूत और मजबूत करें, ताकि एक एक सीट के लाले विपक्षियों को जो सीधा सीधा इस देश को, इस राज्य को विनाश के रास्ते पर ले जा रहे हैं, एक एक सीट के लाले पड़ जाए। सरकार ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच का परिणाम है कि उन्होंने बार बार कहा था कि खेल को, पर्यटन को हम सिर्फ इसको एक लूट का अड्डा नहीं बनने देंगे, माइनिंग हब के रूप में जाना जाता था। अब पर्यटन के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में हमारा राज्य तेजी से आगे की ओर दौड़ रहा है। और आपने देखा कि छः हमारी राज्य की बच्चियां आज फीफा वर्ल्ड कप में झारखंड का शान बढ़ाने जा रही है, और वो भी झारखंड के नेतृत्व में। इसका नेतृत्व करता भी झारखंड की हमारी बेटी है, और 6 बच्चियां हमारी जा रही हैं और पूरे झारखंड का झंडा बुलंद करेगी। आप ये और आप प्रत्येक खेलों में आप देख रहे होंगे, अभी लॉन बॉल में गोल्ड लेकर आई राष्ट्रीय खेल में, सभी खेलों में, तीरंदाजी में, हर खेल में हमारी बच्चियां। हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर।